अज़बल शवानजीम बसमीम रबरा सदरी वसरली अमरी वाहक्तमसानी यफकहू को मेरे प्यारे नजरिया उम्मीदा कि आप खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी सान में रखे आज मैं उन बेटियों के लिए जिनको औलाद जो औलाद के लिए चाहती हैं कि हमें कोई पत, चले वजीफा पता चले मैं कोशिश कर, करती हूँ आज के मैं आपको बताऊँ और ये हंड्रेड परसेंट काम करेगा इन सच्चे दिल से जब आप ये वजीफा करें तो ये नहीं कि खाली आप फॉर्मेलिटी पूरी करें अपने सच्चे दिल से पहले दो रकात नमाज नफला जदकी अदा करें और फिर आपने क्या करना है कि तीन खजूरों के ऊपर ये पढ़नी है आयत सूरा अज, अजारियात ये सूरत है कुरान पाक की सूरत है आ, 67 आयत नंबर मक्की सूरत है और ये आ, 67 नंबर है इसका आ, अजारियात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजारियाते जरबा फल हामिलाते विकरा फल जारियाते युसरा वाल मुकस्सिमाते अमरा

जरवा मैं ए, आपको इसका साथ फोटो भी बना के ए, लगा दूंगी सूरत अजारयात आयत नंबर पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी आयत ये आपने पढ़नी है तीन खजूरों के ऊपर और ये क्या करना है कि हर खजूर के ऊपर एक सौ इक्कीस मरतबा साहद शरीफ को पढ़कर दम किया जाए और सात रो, रोज रोज़ तक बराबर ये अमल किया जाए ये आपने करना है ये पांच आयतें सूरत जारी, जारी की आयतार ती, तीन खजूरों के ऊपर दम करनी है और हर एक खजूर पर 121 बार ए, ये आयत पढ़नी पढ़नी और दम करना है और सात रोज तक बराबर ये अमल करना है और ये औरत को खिलाना है इसके बाद है कि जब औरत को जिसको जो समझे के बांध जाए और जब है पाक हो उस दिन दो अंडे पानी में उबाल कर इनका छिलका और तार कर सफेदी पर ये दो आयतें लिखी जाएं अंडा उबाले और उसकी सफेदी पर ये आयतें लिखी जाएं जो अंडा औरत को खिलाया जाए उसके ऊपर वल नहा वल हैल अर्दर्श न फनेल माह दोन ये जस एक आयत है और ये अंडे के ऊपर लिखनी है अंडा उबाल उबाल के उसकी सफेदी के ऊपर लिख के ये अंडा औरत खाए और जो अंडा मर्द खाएगा उस पर लिखा उसके ऊपर आयत होगी मर्द के लिए है ये भी ए, मर्द जो है अंडे की सफेदी के ऊपर उबले हुए अंडे की सफेदी के ऊपर लिखे औरत के लिए आयत नंबर फोर्टी एट यानी ए, 48 और मर्द के लिए आयत नंबर ये आप मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि ये मतवातर तीन रोज करें और इन ज़रूर औलाद होगी और ये है कि जब आप रात को अंडा दोनों हस्बैंड वाइफ खाएं उबला हुआ अंडा और उसके ऊपर ये आयत लिखी हुई हो तो आप ए, मिलें एक दूसरे से तीन दिन तक बराबर ये करना है और ये इन शाह ये ज़रूर जरूर पर ज़रूर ये जो है वो पूरा होगा और मुझे उम्मीद है कि लेकिन सिद्ध के दिल से ये नहीं कि आप शक में हूँ कि मैं ये पढ़ रही हूँ ये कुरान की आयत है कोई बार की कुरान पाक की शुरार याद की आयात आयात हैं तो ये प्लीज़ आप करें और सिद्ध के दिल से करें और पूरे यकीन के साथ करें और करने से पहले ये जो है वजीफा इससे करने से पहले पहले दो नमाज नफल हाजत के ज़रूर पढ़ के फिर करें मैंने दो आपको बताई हैं एक ये एक ये कि औरत सिर्फ खजूरें जो खाए उसके ऊपर लिखे वो भी मैंने आपको बताया और फिर मैंने आपको बताया कि मर्द औरत और दोनों जो है वो अंडे की, को उबाल उबाल कर उसकी सफेदी के ऊपर लिखे तो मैंने ये बार बार आपको बता दिया जो अंडे की सफेदी पर मर्द लिखेगा वो आयत नंबर सूरत याद की आयत नंबर फोर्टी सेवन है और जो औरत लिखेगी वो सूरत याद, इसी सूरत की फोर्टी एट आयत नंबर है उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको अपनी आ, रहमत से नवाजेगा और अल्लाह ताला ज़रूर आपको औलाद वाला बनाएगा और अल्लाह ताला से मेरी दुआ कि अल्लाह आपको इस मकसद में कामयाब करे आमीन सुम आमीन शवान